दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारे दर्शकों के लिए हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और ये विशेषकर जो वीडियो है ये उन भाइयों के लिए कामगर वीडियो है जो भाई खेती करते हैं, किसान हैं। दरअसल इन दिनों हम देखते हैं कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जहाँ पर रेतीले रेगिस्तान है और जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर भी अब डबल क्रॉप जहाँ एरिया है वहाँ पर इस प्रकार से खेती होती है कि लोग एक खेत से दूसरे खेत तक पानी पहुंचाने के लिए अपने खेतों में बड़े से होद बनाते हैं, पौंड बनाते हैं। और उसके बाद हम उन पौंड में देखते हैं कि एक जो प्लास्टिक होता है जिसको वहाँ की भाषा में मैनिया तिरपाल बोलते हैं, वो उस पौंड के होद के अंदर रखते हैं और उसके बाद से उसमें पानी का स्टोरेज करते हैं और अपनी खेती करते हैं। तो जो किसान जो हैं ये प्लास्टिक खरीदते हैं, मैनिया ये खरीदते हैं, ये कहाँ से खरीदते हैं और क्या कैसा ये होता है, ये हम आज आपको पहली बार बताएंगे। और किसान भाइयों के लिए ये भी बताएंगे कि अगर आप इस प्रकार की खेती करते हैं, आपने अपने खेत में होद बनाकर रखा है या फिर होद बनाने की सोच रहे हैं, तो आप यहाँ आइए और यहाँ आपको बहुत ही शानदार यहाँ आपको प्लास्टिक और ये मिल जाएगा। और आज हम पहली बार इसका फैक्ट्री को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो फैक्ट्री है इसके अंदर कैसे ये जो प्लास्टिक बनता है, कितना बनता है और कितने फीट तक ये क्या क्या यहाँ और आपको सुविधाएं मिल जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर किसानों को ये जानकारी नहीं होती है कि इस प्रकार की अगर बड़ी क्वांटिटी में हमें चाहिए, बड़ी चौड़ाई में, बड़ा लंबा अगर चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो कहाँ से खरीदे, क्योंकि किसान आमतौर पर बाजार में जाते हैं और कई बार उनसे ज़्यादा दरें भी ली जाती है। लेकिन फैक्ट्रियों के बारे में अगर किसानों को जानकारी नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग बाजार में ही जाएंगे। इसलिए हम आज हमारे किसान भाइयों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं। इस वक्त जो हम खड़े हैं वो जोधपुर में है, राजस्थान के जोधपुर में, और जोधपुर में जो एम्स हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल के ठीक सामने जो मेडिपल्स की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है विष्णु प्लास्टिक, जो आप देख सकते हैं कि विष्णु प्लास्टिक के अंदर का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। विष्णु प्लास्टिक जो फैक्ट्री उनके मालिक हैं, उनके नंबर भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो सारा का सारा जो प्लास्टिक है ये सनपैट कंपनी का है, सनपैट कंपनी का सारा ये जो पूरा का पूरा पॉलिथीन यूज लेते हैं। और यहाँ पर देखिए करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, अलग अलग प्रकार की मशीनें जो अलग अलग काम करती हैं, कोई जॉइंट करती हैं, कोई किस तरीके से कहा, सारी की सारी बातें जो यहाँ के ओनर हैं उनसे हम जानेंगे। और अब आप देखिए कि यहाँ पर सारे वर्कर्स हैं वो किस टाइप से यहाँ पर आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार ये फैक्ट्री और बहुत ही शानदार यहाँ पर काम है, और किसान भाइयों के लिए विशेषकर ये इतनी शानदार जानकारी मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ जैसी शायद किसान भाइयों ने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि किसानों के ये काम की चीज़ है। और हालांकि ये जो प्लास्टिक है ये कई और जो जगह हैं वो वहाँ पर भी आप यूज़ ले सकते हैं, सुपर पाउंड ब्रांड जो होता है वहाँ, और फिश के लिए जो पाउंड बनाते हैं उसमें भी ये काम आता है, ग्रीन एग्रो के लिए भी काम आता है, इस प्रकार के छोटे छोटे काम, डिग्गी तिरपाल भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा इस जो तिरपाल जो होता है वहाँ बाइक कवर, कार कवर का अगर होलसेल कोई काम करता है तो उनके लिए भी ये काम का है। तो ये विष्णु प्लास्टिक है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, इनके मोबाइल नंबर और इनका पूरा का पूरा एड्रेस जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर, भाटी सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, एम्स हॉस्पिटल रोड, जोधपुर। विजय व्यास जी हैं, इनकी ये फैक्ट्री है। विजय व्यास जी के जो मोबाइल नंबर हैं वो आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और अब मैं आपको इन मशीनों के बारे में भी थोड़ा बहुत इनसे जानूंगा जो यहाँ पर ऑनर हैं। और इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, आप बने रहिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान अपने खेतों में बड़ी एक बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी एक डिग्गी बना देते हैं, होद बनाते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है वो यहाँ से बना करके तैयार बना करके ले जाना मुश्किल होता है। तो इनके पास एक ऐसी मशीन भी है जो आपके खेत में भी आ जाएगी और वहाँ आपको प्लास्टिक तैयार करके आपकी डिग्गी में ये लोग बना करके दे देंगे। बहुत ही बड़ी ये फैक्ट्री है जहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर प्लास्टिक यहाँ स्टोरेज रहता है, चाहे कितना भी आपको लंबा चाहिए, 500 फीट तक का अगर आपको लंबा रोल चाहिए वो दे देंगे, चौड़ा आपको जितना भी चाहिए। हालांकि इसका जो रोल आता है वो अधिकतम 12 फीट का आता है, लेकिन आप इस बात की चिंता मत करिए कि 12 फीट को जॉइंट कैसे करते हैं। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये वही जॉइंट कर रहे हैं जिसमें देखिए 12 फीट के जो रोल होते हैं उसको चौड़ा आपको जितना भी करना है, जितनी चौड़ाई करनी है वो यहाँ पर कर देंगे। अब ये 12 फीट के दो रोल हैं उनको जॉइंट करके 24 फीट का कर रहे हैं। अब हमारे साथ व्यास जी हैं जो इस फैक्ट्री के ऑनर हैं। व्यास जी, हम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप किसानों के लिए बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। अब बताएं व्यास जी, आपकी फैक्ट्री सबसे पहले ये बताएं कहाँ पर है, अगर किसान भाई कोई आपके पास आना चाहे तो आपकी फैक्ट्री का पूरा पूरा एड्रेस दीजिए। अपनी फैक्ट्री का एड्रेस एम्स हॉस्पिटल के पास, भाटी सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा,
के कंपाउंड में ही है और बिल्कुल जो मेडिप्लस की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ घूमते ही मतलब 50 फीट आगे ही अपनी फैक्ट्री है मेन रोड पे ही बाटी सीमेंट के कंपाउंड में। अच्छा सर, ये जो आप प्लास्टिक या त्रिपाल जो भी इसको बोलते हैं, हाँ सर, ये कौन सी कंपनी का और किस तरीके से किसानों के लिए काम का है? सर ये मतलब डिगी त्रिपाल के डिगी के लिए काम आता है और ये सनपेट तारा ट्रेडलिंग करके अहमदाबाद में कंपनी स्टेब्लिश है। आज पिछले 25 साल से वो इसी लाइन में काम कर रही है और उसका ब्रांड है सनपेट के नाम से। अपनी फैक्ट्री में सनपेट का 300-500 माइक्रोन का जो पॉन्ड लाइनिंग सीट है उसको हम जो है वो अलग अलग कस्टमाइज करके और कस्टमर को जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम देते हैं। अच्छा सर, आपकी फैक्ट्री कब से और किसानों के लिए ऐसी जानकारी क्योंकि बहुत कम होती है, किसानों को पता नहीं तो बाजार में जाकर खरीदते हैं, महंगी दरों में भी खरीदते हैं, तो आप उन किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट्री से जो भी प्राइस रीजनेबल प्राइस होगी उस रीजनेबल प्राइस पे आपको जो भी मटेरियल है वो रीजनेबल प्राइस में मिलेगा और एकदम होलसेल रेट में उनको जो है वो डिगी का त्रिपाल मिलेगा। डिगी का त्रिपाल ले लो आप, कोई चारा ढकने के लिए ले लो या कोई भी मतलब उसको चीज़ को सुरक्षा देने के लिए कोई तरह का भी त्रिपाल होगा वो अपने यहाँ मिलेगा, पतले से पतला और मोटे से मोटा, और जैसी साइज मांगेगा किसान वैसा देंगे हम। अधिकतम आपके पास किस साइज का मिलता है? मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 20 फुट 20 बाई 20 से लगा करके और 500 बाई 500 फीट तक का हम त्रिपाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि जो किसान भाई हैं आजकल खेतों में हम देखते हैं कि डिग्गियाँ बना देते हैं, उनके लिए कितनी कारगर साबित होते हैं? उनके लिए बहुत बहुत मतलब उनके लिए तो समझ लीजिए सर, बहुत कम पैसों में मतलब वाटर जो पानी को इकट्ठा करने के लिए इस मैनिए का खर्चा बहुत कम है। किसान अगर सीमेंट का वो जो डिग्गी बनाएगा उसमें उसको खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा और ये प्लास्टिक शीट लगा देगा तो उसको मतलब कॉस्ट उसकी बहुत रिड्यूस हो जाएगी, किसान की उसको काफ़ी फायदा होगा। अगर 300 माइक्रोन का जो सनपेट लगाएगा तो वो 3 साल कहीं नहीं जाना, 3 साल की वारंटी है हमारी कंपनी की तरफ से, तो उसमें कोई तरह का नहीं है और सब्सिडी भी उसको पूरी मिलेगी। गवर्नमेंट जो कृषि विभाग है उससे अनुदान पूरा मिलेगा, उसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाकई में बहुत ही शानदार ये उपयोगी जानकारी है हमारे किसान भाइयों के लिए। हम जब जब भी इस प्रकार के वीडियो बताते हैं तो वह काफ़ी उपयोगी काम आते हैं, हमेशा कारगर साबित होते हैं इस प्रकार के वीडियो किसान भाइयों के लिए और किसान भाई जो खेती करते हैं। मैं तमाम लोगों से चाहूँगा कि किसान भाइयों की मदद के लिए आप जितने भी दर्शक मुझे इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो हैं वो हमारे इस वीडियो को देख सकें। और अब आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये जो आपको मोबाइल आपकी स्क्रीन पर एक मशीन नज़र आ रही है ये वही मशीन है जो आपके खेत में आएगी और कितना भी बड़ा अगर आपके पास पॉलीथीन है जिसको आप ज्वाइंट करना चाहते हैं वो ये मशीन जो है ये ज्वाइंट कर देगी। अब कैसे काम करती हैं आप देखिए, ये दोनों अलग अलग रोल हैं, इन दोनों रोलों को यह बीच में मशीन आ जाएगी और अब आप देखिए कि ये इसको जॉइंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत हीट करता है और ये देखिए आपके खेत में आपकी डिग्गी में आकर के इस त्रिपाल को जो है वो ये मशीन जॉइंट कर देंगी। ये अंकल जी हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं इस मशीन को और बहुत ही कॉस्टली ये मशीन आती हैं। आपके खेत में अगर आप ले जाके त्रिपाल और वहाँ पर आप ज्वाइंट करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।